हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग, वेलकम टू सिविल डिकोडर ऑफिशियल। दोस्तों, आज का अपडेट रहने वाला है सेवा आयोजन पोर्टल से संबंधित। दोस्तों, जैसा कि आपको जानकारी होगा कि उत्तर प्रदेश में सेवा आयोजन पोर्टल के माध्यम से आउटसोर्सिंग भर्तियां फिलअप की जाती हैं, टेक्निकल तथा नॉन टेक्निकल। दोस्तों, सेवा आयोजन पोर्टल पर जो सबसे प्रचलित और चर्चित भर्ती है टेक्निकल असिस्टेंट ब्लॉक लेवल, टेक्निकल असिस्टेंट पंचायत लेवल, जो कि जनपद वाइज अलग अलग जनपदों में निकाली जा रही है टाइम टू टाइम। दोस्तों, एक भर्ती अभी सेवाजन पोर्टल पर प्रेजेंट टाइम में चल रही है, जो कि आपकी टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी है, जो कि आपका टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी है। दोस्तों, मैं आपको इस भर्ती का पूरा डिटेल बताता हूँ। दोस्तों, आपको जाना है सेवाजन पोर्टल की मेन वेबसाइट पर, फिर आपको उसमें आउटसोर्सिंग जॉब पर क्लिक करना है। आपको 15 नंबर पर जाना है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये भर्ती। दोस्तों, 15 नंबर पे आपकी ये वैकेंसी है टेक्निकल असिस्टेंट की। दोस्तों, ये वैकेंसी आपकी पहले प्रकाशित की जा चुकी है, यह पुनः प्रकाशित की गई है। जिन अभ्यर्थियों ने पहले इसमें आवेदन कर चुके हैं, उनको पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, मैं आपको इस भर्ती का डिटेल दिखाता हूँ। दोस्तों, ये आपका रिक्त का विवरण है। इसमें जो आपकी चयन कराने वाली संस्थान है वह आपकी सुपर सॉल्यूशन है। पोस्ट नेम आपका टेक्निकल असिस्टेंट है। दोस्तों, ज़्यादातर जो वैकेंसी जनपद वाइज निकाली जा रही थी, उसमें दो प्रकार के पोस्ट होते थे, टेक्निकल असिस्टेंट ब्लॉक लेवल, टेक्निकल असिस्टेंट पंचायत लेवल। दोस्तों, इसमें लिखा नहीं है टेक्निकल असिस्टेंट ब्लॉक लेवल है या पंचायत लेवल। दोस्तों, वैकेंसियों की जो संख्या देख कर उससे जो अनुमान लगा सकते हैं, यह आपकी वैकेंसी जो है पंचायत लेवल पर है। दोस्तों, ये आपकी भर्ती ग्राम विकास विभाग में रहने वाली है। भर्ती पोस्ट की गई थी 4 मार्च को, आवेदन करने की अंतिम तिथि आपकी 12 मार्च है। कुल पदों की जो संख्या है वो आपकी 36 है। काफ़ी अच्छे पद हैं, एक जनपद में आपके इतने पद काफ़ी कम निकलते हैं। दोस्तों, इसमें जो अनिवार्य योग्यता है वो आपकी डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, तीनों ही ब्रांच के अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों, जो रिक्ति की प्रकृति है वो आपकी थर्ड पार्टी के माध्यम से आपकी रहने वाली है। आप इच्छित वर्ग में पुरुष, महिला, विकलांग, एक्स सर्विसमैन, खिलाड़ी, सारे ही वर्ग के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। आपकी आयु सीमा है 21 से 45 साल है। वेतन आपका 15,656 है। अपेक्षित अनुभव आपका 7 वर्ष का इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है, वो भी आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सपोर्ट सर्विस एक्टिविटी में। और जो आपका कार्यस्थल है वो आपका उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर में आपको पोस्टिंग मिलेगी, आपका कार्यस्थल है। दोस्तों, आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करें पर क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हैं, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा। दोस्तों, मैं आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। दोस्तों, ये आपका पोस्ट का डिटेल है, जो चयन कराने वाली संस्थान और जो उत्तर प्रदेश ग्राम विकास विभाग के साथ जो अनुबंध हुआ है, जो एग्रीमेंट हुआ है, उसी का ये डिटेल है कि इसमें जो टेक्निकल असिस्टेंट है 36 पोस्ट है, और इसका जो बेसिक मंथली पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। यह आपका जो टेन्योर रहने वाला है वो आपका 12 माह का 1 साल के लिए इनिशियल रहने वाला है। उसके बाद आपका जो टाइम पीरियड है बढ़ भी सकता है एज पर योर परफॉर्मेंस। दोस्तों, आप लोग वैकेंसी को देखिए। अगर आप लोग इस वैकेंसी में एलिजिबल हैं तो आप लोग आवेदन जरूर करें। और दोस्तों, आप लोगों को किसी प्रकार का कोई डाउट्स है तो आप लोग कमेंट करें, टेलीग्राम पर मैसेज करें, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने का पूरा प्रयास करता हूँ। थैंक फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।